धमतरी जिले के सभी विकास खंडों में सर्व आदिवासी समाज 15 सितंबर से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जहां आदिवासी समाज के लोगों द्वारा आरक्षण को पूर्ववत रखने की मांग की गई है। आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने धमतरी जिले के चारों विकास खंडों में प्रदर्शन किया है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर, SDM व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। इस दौरान प्रदर्शनकारी समाज के लोगों ने हाईकोर्ट द्वारा किए 22% आरक्षण को पूर्ववत 35% करने की मांग की है। अभी जो तत्कालीन उच्च न्यायालय का जो आदेश आया हुआ है, जिस पर हमारी जो है आरक्षण सीधा 32% से घटा करके 20% कर दिया गया है, जिससे पूरा सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ जो है बहुत आक्रोशित है और उद्वेलित है। ये हमारे आरक्षण को कम करने के क्षेत्र में ये हमारी प्रथम जो है आंदोलन है, जो चरणबद्ध तरीके से जारी है। आज धमतरी जिला के सभी चार विकास खंडों में विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन प्रारंभ है, जहां पर हमारे पूरा जिला के हजारों जो सर्व आदिवासी समाज है आज आंदोलन में। इसी तारतम्य में आज हम धमतरी विकासखंड में बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए मैदान में डटे हैं। अभी हम जो है यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तत्पश्चात रैली निकाल करके शासन प्रशासन को जिताने और जगाने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। और बता दूं आपको कि ये जो है हम मांग नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमारी वाजिब हक है और अधिकार है। साथ में लेना नहीं चाह रही है तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार से लड़ना। उसके आगे मैं क्या कहूँ, हमारे रावटे साहब ने पूरे पूरे बात समझा दी है। 32% आरक्षण हम लेकर रहेंगे, हम यही। धन्यवाद।